ओम शांति। हम सर्व मनुष्य आत्माओं के अति प्रिय परम पिता परमात्मा, जो कि सच्ची स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं, उन सभी के प्रिय संतान, आज हम देखते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं, परंतु एक बात हम अपने अंदर जाकर के चेक करें और विचार करें कि क्या हमने सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त की है। स्वराज्य हमको मिला हुआ है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य अपने ही कर्म इंद्रियों की गुलामी के अंदर है, कोई व्यसन में फंसे हुए है, कोई फैशन के अंदर फंसे हुए है, और अपने ऊपर जो नियंत्रण उसका होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। मनुष्य का मन भी उसको कितना भटकाता रहता है। तो इन सब के ऊपर, तन के ऊपर मतलब कर्म इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर, जब तक हम स्व का राज्य अर्थात मालिक बन करके उसको नहीं चला सकते हैं, तब तक मेरा ऐसा मानना है कि भले हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, परंतु सच्ची स्वतंत्रता की जो खुशी और जो आनंद और जो वायुमंडल हमें मिलना चाहिए वो हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अगर हर एक मनुष्य अपने कर्म इंद्रिय के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर स्व का राज्य मतलब अपने कंट्रोल के अंदर चलावे, तो जो हमारा स्वप्न था कि भारत को स्वतंत्रता मिले, उसके बाद वो सुख शांति और चैन से अपना जीवन चला सके, जी सके, वो उसको मिल सकता है, परंतु उसके लिए चाहिए अपने आप के ऊपर कंट्रोल। और वो कंट्रोल लाने के लिए वर्तमान समय परमात्मा हमको सहज राजयोग का अभ्यास सिखा रहे हैं। और मेरा संपूर्ण रीति से मानना है कि राजयोग मेडिटेशन का अगर मनुष्य प्रतिदिन अभ्यास करे तो वो अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल प्राप्त कर सकता है, और उसके द्वारा वो सच्ची स्वतंत्रता की अनुभूति खुद भी कर सकता है, दूसरों को भी करा सकता है, और हमारा राम राज्य का जो सपना है वो हम जरूर पूरा कर सकते हैं। तो आज के दिन आप सभी को ऐसी सच्ची आज़ादी मिले, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। ओम शांति।